हाँ स्टूडेंट्स, सो सुडो फोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोगों ने थोड़े बहुत किए थे। तो सुडो फोर्स के कॉन्सेप्ट में क्या बात हुई थी कि हमने कहा था कि मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो है, ठीक है, कोई भी अलग अलग बॉडी से रखी हुई है, ठीक है, और ये जो लिफ्ट है ये ए से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप क्या कहते हो, आप अंदर एक आदमी बिठा देते हो, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें कैसी है ये पता लगाने की कोशिश करते हो। तो उसके हिसाब से जो दुनिया है उसमें फोर्सेस वगैरह एक्सेलरेशन वगैरह तो उसको जैसी दिख रही है, बट अदर देन दैट एक एक्स्ट्रा फोर्स इस एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर एक फोर्स एडजस्टमेंट हम और ऐड कर देते हैं, इसको हमने कहा था सुडो फोर्स, ठीक है। सो इस प्रोसेस में ट्रक है, ज़मीन पर चला जा रहा है, आगे की ओर एक्सेलरेटेड है, ठीक है, इस पर ब्लॉक रखा हुआ है, मास एम, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, ठीक है। अब बताओ ये एक्सेलरेशन कितना होगा तो ये फिसलने लगेगा, तो वो जो ब्लॉक है जो रखा हुआ था वो फिसलने लगेगा। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो ये एक्सेलरेट भी अगर हो जाए तो अपनी जगह पे रह सकता है, ऐसा कुछ आपको रफ आइडिया है। ए की वैल्यू जिसमें फिसलना शुरू हो जाए सर, म्यू जी के बराबर है ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे रीजनिंग। चलो पहले बताओ फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट की लेफ्ट, ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट की ओर बोल रहे हैं, क्यों सॉरी, बॉक्स लेफ्ट साइड मूव कर सकता है, मतलब बॉक्स क्या चाहता है, बॉक्स चाहता है कि मैं अपनी जगह में रहूं, ट्रक उसको आगे ले जाना चाहता है, तो आगे कैसे ले जा रहा है, फ्रिक्शन है करके वो पकड़ के साथ में अपने ले जा पा रहा है, फ्रिक्शन नहीं होता तो वो नहीं ले जा पाता, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर, सुडो फोर्स पीछे की ओर लगा देते हैं। अच्छा सुडो फोर्स लगा रहे हैं, सुडो फोर्स लगाते समय एक बात मेरा सजेशन रहेगा आपको, वैसे आप लोग फॉलो करें ना करें ऑप्शनल है, बट सजेशन रहेगा कि जब भी सुडो फोर्स आप पे आप एक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से एक आदमी बिठा दिया कीजिए उस फ्रेम में और फिर पूरा सिनेरियो उसके हिसाब से ड्रॉ कर दिया कीजिए। एक्सेलरेशन चला गया, ठीक है, सारा कुछ इस तरीके से उसके हिसाब से। अब फोर्स और पीछे की ओर एडजस्टमेंट एम ए इस व्यक्ति के हिसाब से, और आप कह रहे हैं कि लिमिटिंग केस में जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू एम जी के बराबर, ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी जैसा शिवानी ने कहा था, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो बॉक्स फिसलने लगेगा पीछे की ओर, ठीक है। सो अगर एक्सेलरेशन मैं कह देता हूँ ए नॉट है समथिंग ग्रेटर देन म्यू जी तो क्या होगा, तो बॉक्स पीछे की ओर फिसलने लगेगा, पीछे की ओर फिसलने लगेगा, किस एक्सेलरेशन से फिसलेगा पीछे की ओर, तो एक केस हो गया हमने कहा एक कार एक्सेलरेट हो रहा है, इतना एक्सेलरेट हुआ कि ये नहीं फिसला, तो आप कहोगे जब तक एक्सेलरेशन इतना ना हो जाएगा तब तक ये फिसलेगा नहीं, फिर हमने कहा एक्सेलरेशन और बढ़ा देते हैं, फिसलने लग गया तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसके हिसाब से क्या होगा, तो जो ए नॉट है तो आपने कहा अच्छा ए नॉट की डायरेक्शन क्या होगी, चलो सिनेरियो बताओ इसके हिसाब से ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है आपके तरफ से, लेफ्ट होता है ना ये आपके तरफ से, हाँ ठीक है, सो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ये ऑब्जर्व करेगा वो है पीछे की ओर जिसको हमने कहा है ए नॉट, और आप सारा हिसाब लगाएंगे तो आप कहेंगे ए नॉट इक्वल्स टू पीछे की ओर एक्सेलरेशन, अच्छा ओके, सो ट्रक जा रहा है, ओके ट्रक जा रहा है ए नॉट से तो पीछे की ओर ए नॉट एम ए नॉट फोर्स लग जाएगा, और फिर इस प्रोसेस में
कोई एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन पीछे की ओर, और वो कितना होगा तो आप कहोगे, तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लगाओगे एमएम चला गया, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा पीछे की ओर ए नॉट माइनस म्यू जी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन किसका है, किसके हिसाब से, जो बैठा हुआ है उसके हिसाब से, तो ग्राउंड पे जो बैठा है उसके हिसाब से क्या सेम एक्सेलरेशन होगा, नहीं, तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसके हिसाब से पूछा है कि इसके हिसाब से पूछा है, ग्राउंड के हिसाब से पूछेगा तो क्या आंसर होगा, ए नॉट माइनस म्यू जी तो ऊपर बैठा है उसके हिसाब से है, पीछे की डायरेक्शन में इतना है इस डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन तो किसके हिसाब से आपने बोला, इसके हिसाब से है, इसको पर्सन बी कह देते हैं और इसको कह देते हैं ए, बी के हिसाब से एक्सेलरेशन जो है इतना है और इस डायरेक्शन में है। अब ए के हिसाब से बी का एक्सेलरेशन कितना है, खाली माइनस लगाने बोल रहे हैं आप, तो इसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो आंसर है उसमें खाली एक माइनस लगा दोगे तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो आप, गलत आंसर है, सोचो थोड़ा, बहुत सिंपल है, बताओ यहाँ पे दिमाग लगना चाहिए, यही चीज़ें सीखनी है, बाकी आता है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है आपको, सुडो फोर्स लगाना आता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, यही सब तो क्लियर करना है। ए नॉट को, अच्छा चलो आंसर बता सकते हैं, केवल माइनस म्यू जी ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, कैसे आया आपका आंसर, हाँ ठीक है, सो आपने कहा कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन मैंने फाइंड की और उसकी एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू ट्रक पे बैठे हुए आदमी के हिसाब से था पीछे की ओर ए नॉट माइनस म्यू जी। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है एक्सेलरेशन का इसके हिसाब से है, अगर ब्लॉक रुका होता तो ये क्या बताता, एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो बताता, ज़मीन वाला क्या बताता, ज़मीन वाला राइट साइड में ए नॉट बताता। ठीक है, तो ये जब ज़ीरो बोल रहा है तो ये बोल रहा है राइट साइड में ए नॉट, तो ये बोल रहा है माइनस इधर इस साइड में ए माइनस म्यू जी, तो आप बोल रहे हो इसमें जैसे ज़ीरो में इस साइड ए नॉट ऐड किया है वैसे इसमें भी इस साइड ए नॉट ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए नॉट माइनस म्यू जी इस साइड में माइनस ए नॉट इसी साइड में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस म्यू जी ए नॉट कैंसिल हो गया, माइनस म्यू जी किस साइड में, इस साइड में माइनस हटाओ ये एक्चुअल डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ ये इस चीज़ समझना है हमको, कहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, यहाँ तक एक बार फिर से आ जाते हैं। ठीक है, क्या कहा, ये ब्लॉक जो है ट्रक का एक्सेलरेशन काफ़ी हाई था ए नॉट ऐसा गिवन था, और यहाँ फ्रिक्शन है, छोटा मोटा फ्रिक्शन है जो इसको नहीं संभाल पाएगा, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ऊपर एक आदमी बिठा देते बी, उसके हिसाब से ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आगे की ओर म्यू एम जी फोर्स लग गया, फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की ओर फोर्स लग गया, सुडो फोर्स आपने लगा दिया एम ए नॉट, क्योंकि ए नॉट से ट्रक चल रही थी। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि ए नॉट बहुत बड़ा है तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता, आपने कहा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाते हैं, इससे पता चलेगा कि बी के हिसाब से जो एक्सेलरेशन है
अकॉर्डिंग टू बी, वो आ जाएगा ए नॉट माइनस म्यू जी पीछे के डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ शुरू हुई? दिक्कत शुरू हुई अब ग्राउंड के हिसाब से बताना है आपको इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्राउंड के हिसाब से बताना है। तो ग्राउंड के हिसाब से अगर ये ब्लॉक रुका होता तो ग्राउंड वाला बोलता इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में ए नॉट, जबकि ट्रक वाला बोलता कि इसका एक्सेलरेशन है ज़ीरो। ट्रक वाला जो भी एक्सेलरेशन बोल रहा है उसमें राइट साइड में आप ए नॉट ऐड कर दोगे तो आपको सही आंसर ग्राउंड के हिसाब से मिल जाएगा। ट्रक वाला क्या आंसर बोल रहा है? बी, तो वो बोल रहा है ए नॉट माइनस म्यू जी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब आपको इसमें ऐड करना है ए नॉट इस डायरेक्शन में, या फिर डायरेक्शन सेम होना चाहिए तभी आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो आप कह दोगे इसका मतलब आपको सब्सट्रैक्ट करना है ए नॉट इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं घुमा फिरा के बता रहा हूँ, आपका कॉमन सेंस जिस तरीके से प्लस माइनस को हैंडल करता है गड़बड़ भी बस मतता हूँ, ठीक है। और फिर आपके पास बचेगा सिर्फ माइनस म्यू जी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन असल में होगा म्यू जी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये चीज़ सेंस बन रही है क्या? आपसे कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस रिज़ल्ट का मतलब क्या है? ये जो एक्सेलरेशन है ये हो गया अकॉर्डिंग टू ए ए, ठीक है। जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है वो बोल रहा है कि ट्रक का कितना भी एक्सेलरेशन हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ब्लॉक के एक्सेलरेशन पे, ऐसा बोल रहा है। ट्रक के एक्सेलरेशन से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? रिजल्ट तो बोल रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या कारण है? क्यों ना? फ्रिक्शन, हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करिए उसको। हाँ उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। चलो ये एक तरह से हिंट है देवेंद्र की तरफ से कि फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन उसका चेंज नहीं हो पा रहा है। ये एग्जैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ठीक से बना हुआ नहीं है, तो इसका कुछ सेंस बना सकते हैं रीजनिंग के फॉर्म में? फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ट्रक तो आगे ही जाना चाह रहा है और ब्लॉक वही रहना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन आगे ही लगेगा, ठीक है। हाँ दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है? ये काइनेटिक केस है। काइनेटिक पे पहुँच गए हम लोग, हमने बोला ना पहले तो एक ऐसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जिसमें ये स्लाइड ना हो, और फिर हम इस केस में पहुँच गए जिसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, स्लाइडिंग शुरू हो गई है। स्लाइडिंग शुरू हो गई है, फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है फ्रिक्शन फोर्स की फिक्स हो गई, ये बढ़ेगी नहीं चाहे कोई भी एक्सेलरेशन हो ट्रक का, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इस ब्लॉक की बात अगर आप ग्राउंड से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ब्लॉक का, तो एम जी नॉर्मल वगैरह को छोड़ दे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फ्रिक्शन फोर्स है और इस फोर्स के कारण ही एक एक्सेलरेशन आने वाला है, और इसकी वैल्यू तो आपने कह दिया कि फिक्स है चाहे कोई भी ए नॉट की वैल्यू कुछ भी हो। अगर ये वैल्यू फिक्स हो गई तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज इस चीज़ को एक बार आप लोग रिवाइज़ करना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो फॉर्मुलेशन है इसको आप समझ लेना कैसे चीज़ें हो रही है। नहीं समझ में आया फिर से समझाना है तो मैं बता देता हूँ, बताना है क्या? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ए नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो सुडो फोर्सेस की बहुत सारी बात हो गई। आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में
सेंट्रिपेटल फोर्स, ये क्या होता है? तो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस हैं सेंटर सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स को हम कह देते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। सो सन अर्थ, अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, तो ग्रेविटी यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाएगी, ठीक है। उसकी जगह भैंस बंधी हुई होती रस्सी से, तो रस्सी में जो टेंशन है वो सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाता, ठीक है। और उसके बारे में हमको पता है उसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगी। इस तरह की बातें हमने अभी तक कर रखी है। इस पूरे प्रोसेस में जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। ये सारी बातें हमको पता है, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स, अब एक टर्म और आपने सुन रखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या चीज़ है? तो बाहर की तरफ तो कोई फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा, हाँ ठीक, हाँ। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। तो स्यूडो फोर्स हमने जनरल पढ़ा, जब सर्कुलर मोशन के इसकी बात करते हैं तो अगर आप इस फ्रेम में बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो आपको एक्सेलरेशन दिखना बंद हो जाएगा। जैसे आपने कहा था एक्सेलरेटेड ट्रक में जब आदमी बैठा था तो उसको ये एक्सेलरेशन दिखाई देना बंद हो गया था, इसलिए हमने एक एडजस्टमेंट लगाया था मास इनटू वही वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है इस ऑब्जेक्ट का जो घूम रहा है? वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इसलिए जो सूडो फोर्सेस की बात करोगे आप तो वही काम हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बस इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, ठीक है। तो इसका केस में मान लेते हैं, रस्सी है, अच्छा भैंस बना देते हैं। भैंस कैसे बनती है? ठीक है, आप थोड़ा ठीक बनाए, नहीं हिरण बन गया है, खरगोश बन गया, जो भी है। तो भैंस इसके चारों ओर किसी स्पीड से घूम रही है, ठीक है। अब भैंस क्या करती है? भैंस खाती पीती है, अंदर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, बहुत सारा मैटर है। सारा मैटर भैंस के अंदर एक एक जगह नहीं है, जैसे सारे एटम्स हैं, जैसे स्टेबल की बात करेंगे सारे एटम्स इसमें एक दूसरे से एक ही जगह है, स्टैटिक है। भैंस के अंदर क्या है, डायनामिक प्रोसेस चलता रहता है। तो उसने कुछ खाया पिया, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, एंड सो ऑन। तो अलग अलग टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो टोटल मास की बात करें तो कुछ कैपिटल एम हो सकता है। अब मान लो ये पार्ट है कोई, ठीक है, इसका मास स्मॉल एम है, तो इस पे इसको क्या फील होगा? जैसे अच्छा आप लोग भी फील करते होंगे, कुछ झूला वगैरह तेज़ गोल गोल घूमने वाला अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में ट्राई किया है, ठीक है। किसी को ऐसा होता है उल्टी हाथी वाला सिस्टम, किसी का है क्या? आपका है, ठीक। अच्छा आपको हॉरर मूवीज़ में कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रैवल करने में दिक्कत हो जाती है, चलो ठीक है, अच्छे सैंपल हो आप, ओके। सो क्या होता होगा, क्या फिनोमिना होता होगा? तो जैसे बाकी सबका आप कुछ ब्लड प्रेशर लेवल या कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं बॉडी में उसके लेवल से होते हैं, आप वो पुश होते होंगे, जैसे आप घूमते होंगे किसी झूले वगैरह में तो वो पुश वगैरह होते होंगे एक आध साइड में, ठीक है। अब जो फ्लूइड सेंटर में रहना था वो इस साइड थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो उसमें क्या है, बाकी लोग चलो झेल जाते हैं, थोड़ा बहुत टॉलरेंस है, आपका थोड़ा कम होगा विद टाइम इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज खाना खा के, हॉस्टल का खाना खा के, ठीक है, या उल्टा असर भी पड़ सकता है, दो चार और आपकी कैटेगरी में आ जाए यहाँ से, अमन आप ध्यान रखना, ठीक है, ओके। सो अब जैसे इसको मान लेते हैं कोई कमरा है, इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो इन पे जो सूडो फोर्स लगेगा, कमरे में अगर कोई ब्लॉक रखा होता तो अगर ये कमरा घूमने लग गया तो ये ब्लॉक बाहर की ओर फेंकाता, इस पे कितना सूडो फोर्स लगेगा? इसका मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर। इस पे कितना सूडो फोर्स लगेगा? इसका मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर, अलग अलग हो सकता है,
जैसे वहाँ पे होता था, ट्रक में स्मॉल एम है, एक ब्लॉक होता कैपिटल एम, तो उस पर कैपिटल एम इंटू ए लगता, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्यूडो फोर्स है, उसकी भी बात अगर आप करेंगे तो जैसे ट्रक की बात करते थे, इसमें आदमी बिठाओगे तब स्यूडो फोर्स की बात करोगे, वैसे ही इसमें आदमी बिठाओगे इसके हिसाब से स्यूडो फोर्स की बात होगी। तो एच सी वर्मा में आ जाओ, एच सी वर्मा पेज 110 क्वेश्चन 10। एच सी वर्मा और इरडो खोल के रखा करो आप लोग क्लास में। पेज नंबर 110 क्वेश्चन 10। आपके पास नहीं है? तो आप दोनों के पास नहीं है क्या? ले लो किसी, छीनो मोबाइल। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, इन अ रोटर अ हॉलो वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एंड अ पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर। इफ द रेडियस ऑफ द रोटर इज 2 meters एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द पर्सन इज 0.2 फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर मे बी रिमूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट में आप लोग वॉलंटियर मत करना, ठीक है, खतरनाक एक्सपेरिमेंट लग रहा है। घुमा दिया है उसने और दीवार से आपको चिपका दिया है, ठीक है। अब दीवार सिलेंड्रिकल, अच्छा चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो मैं थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एक सिलेंड्रिकल कमरा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कमरे में दीवार पे अमन को खड़ा कर दिया, दीवार के पास टिक के खड़े रहो करके, ठीक है, हल्का फुल्का है तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी घुमाने में वाला टाइप का सिचुएशन सोच के अमन को वॉलंटियर लिया गया। फिर ये घूमना शुरू होता है, ठीक है, घूमता है स्पीड इसकी बढ़ती आती है, स्पीड बढ़ती आती है तो अमन को क्या फील होगा? तो उसको लगेगा उसको दीवार की तरफ कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, वो दीवार से चिपकता जाएगा बचाओ करके, ठीक है। सो दीवार से वो चिपकता जाएगा। अब दीवार अगर ज़्यादा रफ हुई तो नीचे अगर ज़मीन हटा भी दो तो वो लटका रह जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर दीवार रफ हुई तो, उतना रफ तो खैर होता नहीं, और दीवार स्मूथ हुई तो फिसल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन गिवन है, आपको गिवन है 0.2 जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वॉल का, और रेडियस भी गिवन है आपको 2 meters, पर्सन का वेट गिवन नहीं है, ठीक है, mg लिखा हुआ है पर वही पर्सन का वेट गिवन नहीं है, आप मास m मानोगे तो रिजल्ट में कटने वाला होगा मेरे ख्याल से मास, ठीक है। सो इस कारण से ऐसा दिया हुआ है। एनीवेज, सो अब चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अमन को फील हो रहा है स्यूडो फोर्स बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हमने अभी अभी नाम दिया है, ठीक है। अमन क्या बोलेगा, ये दीवार है, हाँ मैं इसमें चिपका हुआ हूँ,
ठीक है, हाथ भी इसके ही चिपके हुए हैं। तो अगर अमन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए अमन के फ्रेम से, तो वो बोलेगा मेरे को कोई धक्का दे रहा है, दीवार जो है उसके कारण नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, और नीचे ज़मीन भी हमने हटा दी है, तो अगर मेरे को कोई होल्ड कर पा रहा है तो वो दीवार का फ्रिक्शन है जो मेरे को होल्ड कर रहा है। ऊपर होगा कि नीचे होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन? ऊपर। क्यों? तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अमन नीचे जाता, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है, और नीचे की ओर अमन पे उसका वेट, ठीक है। और कोई फोर्स है यहाँ पे? और कोई फोर्स नहीं है? रियल फोर्स तो ख़त्म हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमको लगाना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? एन के अपोजिट इस डायरेक्शन में कितना लगेगा? अमन का मास वी स्क्वायर अपॉन आर, इसके बराबर, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन नहीं है, उसके हिसाब से अप्रोच करते हैं। डायग्राम हमारा कंप्लीट है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। आर गिवन है हमको, स्पीड फाइंड करना है, वी फाइंड करना है हमको, आर गिवन है, म्यू गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, आर और म्यू बस गिवन है। ये सारी चीज़ें सॉल्व करते चलो, क्योंकि जिस लेवल पे काम हम लोग करने वाले हैं, अच्छा अपना एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लो। एक बार ये एक्सपर्टीज़ डेवलप हो गया फिर ब्रेन सेट हो जाएगा तुम्हारा, फिर सब संभाल लोगे, आगे जितने भी सब्जेक्ट आएंगे देख लोगे सब। V इक्वल्स टू 10 हो सकता है, ठीक है। क्या क्या रिलेशन बना यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको पता चला फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है। और अब अमन को क्या दिखाई दे रहा है? अमन को तो खुद को रुका हुआ फील होगा, ठीक है। तो आप कहोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट। तो आप कहोगे स्यूडो फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये n से बैलेंस हो रहा है, तो n इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और फिर फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है, तो म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, और यही फ्रिक्शन फोर्स जो है वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको फाइंड क्या करना था, v फाइंड करना था, तो v आ गया आपका रूट आर जी बाय म्यू, और जो कि आ गया 10, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कुछ ना कुछ करके आप कर ही लोगे। इसके अलावा पेज 111 क्वेश्चन नंबर 13, मतलब नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 13, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट पेज में ही है, क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूँ। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस is turning at an angular speed omega about its axis. A groove is made on the surface along a radius a, and particle a is gently placed inside the groove at a distance small a from the center. हाँ, ठीक है। Find the speed of the particle as its distance from the center becomes l. तो a से start होता है और फिर दूर भागता जाता है, भागता जाता है, कुछ दूरी पर गया एल डिस्टेंस पे, तो आपको बताना है वहाँ पे स्पीड क्या होगी, ऐसा कुछ पूछा गया। पहले सारा कुछ मिटाया जाए,
ये घूम रहा है ओमेगा से, ओमेगा गिवन है, ओके। तो ये सिचुएशन है आपके पास, सिचुएशन समझ में आया क्या हुआ? तो हमने टॉप व्यू बना दिया है, एक डिस्क टाइप का है, सॉलिड डिस्क, उसमें एक होल कर दिया पाइप टाइप का और एक ब्लॉक रख दिया, सारा कुछ स्मूथ है। अब हम इसको अगर घुमाएंगे वर्टिकल, और टॉप व्यू है ये, हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है बाहर फेंकाने की कोशिश करेगा, ठीक है, फेंका रहा है। कहा गया कि ए से स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्पीड ज़ीरो है और किसी डिस्टेंस सेंटर से एल तक जाता है, तो उस प्रोसेस में उसके पास बाहर की ओर कोई स्पीड आ जाएगी, वो स्पीड कितनी होगी पूछा गया है। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सिनेरियो है, ऐड करेंगे, क्वेश्चन में नहीं गिवन है फ्रिक्शन, हम लोग ऐड करेंगे। कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन सा मैथ लग रहा है, इंटीग्रेशन लगेगा इसमें, कैलकुलस लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा।
ये हो रहा है सबसे, इतना पार्ट में कोई डाउट? क्या कहा हमने? इसके फ्रेम में चले गए ब्लॉक के फ्रेम में, ब्लॉक के फ्रेम में उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है बाहर की ओर उस पर फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के कारण अब उसको पाइप तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, पाइप घूमता हुआ उसको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि वो बाहर की ओर उसको धक्का दिया जा रहा है, और वो धक्का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या इसको एम वी स्क्वायर बाय एक्स ऐसा लिख के यहाँ पे रख सकता था क्या? जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम ए इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन बाय मतलब एम डी वी बाई डी एक्स जो भी है। सो क्या यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह वी स्क्वायर बाय एक्स ऐसा मैं रख सकता था क्या? क्यों नहीं रख सकता था? v क्या चीज है? जिस स्पीड से ब्लॉक बाहर की ओर मूव कर रहा है। हम जब कहते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r के बराबर है, तो ये v कौन सा v होता है? ये सर्कुलर मोशन में जो चीज़ है तो सर्कुलर डायरेक्शन में स्पीड, मतलब ये मास क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, इसको कह देते हैं टेंजेंशियल स्पीड। तो ये टेंजेंशियल स्पीड यहाँ पे आती है, ठीक है, जिसका इस स्पीड से कोई वास्ता शायद ना हो, पॉसिबल है और नहीं भी है, ठीक है। सो इसका मतलब ये फॉर्मूला इस तरीके से लगाते ऐसा गलत था, आप लिख देते इसको वी टी, इसको वी आर लिख दो तो डिस्टिंक्शन समझ में आ जाएगा। फिर आप कहोगे वी टी तो हमारे पास है ही नहीं, तो आपको अल्टीमेटली ओमेगा स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में लिखना पड़ता, ठीक है। तो अगर वैसा कन्फ्यूजन अगर आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, ठीक है। सो ये बात तो ठीक है। अब इस प्रोसेस में नीचे की ओर ग्रेविटी है, ठीक है, और ये ब्लॉक क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद कहाँ पे होगा? तो ये तो घूम रहा है, ब्लॉक यहाँ पे भी नहीं होगा, ब्लॉक यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है, फिर ब्लॉक यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये घूम भी रहा है और बाहर की ओर भी फेंका रहा है, ठीक है। घूम क्यों रहा है, अपनी जगह पे उसी पाइप के अंदर क्यों नहीं है? साथ में घूमना पड़ेगा, कौन पुश कर रहा है उसको? बाहर की ओर तो सेंट्रीफ्यूगल वगैरह वाली बात आपने की, इधर कौन पुश कर रहा है इसको? वॉल जो है, ये वाली वॉल, ये पुश कर रही है, पुश कर रही है मतलब फोर्स लगा रही होगी, ये फोर्स कितना है बता सकते हो? बताओ। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब ये डिस्टेंस किसी डिस्टेंस एक्स पे है तो ये नॉर्मल फोर्स कितना होगा? कौन सा, क्या बोल रहे हैं? उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा, वैसा करना पड़ेगा। कितना होगा जब यह डिस्टेंस एक्स पे है, तब यह नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम तो इस नॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा कोई फोर्स तो लगेगा ही, तभी तो पुश हो रहा है आगे की ओर, तो ये फोर्स कितना होगा ये क्वेश्चन है। अब एम ओमेगा स्क्वायर आर एम बी स्क्वायर बाई आर टाइप की चीज़ होती है, वो आपको पता है वो रेडियली इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स लगता है, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो होगा फिर वहाँ से पुश क्यों होगा? हाँ डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा, बता नहीं सकते आप,
हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा, क्लियरिफाई कर देते हैं, क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा तो। टेबल के प्लेन में है मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, हाँ चलो उसको भी कह देते हैं, इसको कह देते हैं एन वाई कह देते हैं, इसको एन थीटा कह देते हैं। हाँ मतलब दो कंपोनेंट्स कर लिए, अल्टीमेटली फोर्स होगा थोड़ा टेढ़ा लगेगा, ठीक है, तो हम केवल इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। हाँ ये कंपोनेंट कितना होगा, एम जी तो उधर है, एम जी इधर कहाँ लगा रहे हो, ये टॉप व्यू, हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेट है, प्लेट में हमने एक छेद ऐसा कर दिया है और वो प्लेट घूम रहा है, ठीक है। अब वो जो छेद पाइप है यहाँ पे ब्लॉक फंसा हुआ है तो उसको वो प्लेट पुश करेगा ना, तो ये वो वाला नॉर्मल है हॉरिजॉन्टल वाला, और फिर ये पूरा सिस्टम ज़मीन पे रखा हुआ है तो ज़मीन के कारण नॉर्मल यहाँ पे आ रहा है। सर्कुलर टाइप ही है, अच्छा इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो इस मास का, टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन, तो चलो वहाँ से देख लिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर रेडियल एक्सेलरेशन आपका होगा, तो उसके हिसाब से आपने कुछ कुछ हिसाब लगा लिया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा कि नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा टेंजेंशियल, जो सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पकड़ लिया इसने, ये क्या सुरेश क्या बोल रहा है, जो सिस्टम का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा। सिस्टम का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब सिस्टम तो बहुत सारे पार्टिकल से बना है, पर सुरेश ने पकड़ लिया कौन से पॉइंट की बात हो रही है, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं सुरेश, क्या नहीं पकड़ा, चलो ठीक है। नहीं यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, यहाँ पे ज़ीरो है। हाँ ठीक है, सो ये मेन चीज़ है, एक्स डिस्टेंस पे जो ये सर्कल बनेगा इसमें जो एक्सेलरेशन है हर जगह सेम है, मतलब इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, और इसी पॉइंट पे जो है फोर्स लग रहा है, यही पॉइंट जो दीवार का है ये साथ साथ इस ब्लॉक के चल रहा है इस समय पे टेंजेंट पे, इसका मतलब इसी एक्सेलरेशन की बात करिए, और ये एक्सेलरेशन कितना है, अच्छा आपने कहा था ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो है कि नहीं है, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये अगर ओमेगा से घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, अल्टीमेटली ज़ीरो पर पहुंच गए, शुरू में किसी ने ज़ीरो बोला था सोच के नहीं बोला होगा, अब जो आंसर आएगा ज़ीरो का वो मतलब उसके पीछे रीजनिंग है, ठीक है। सो एन थीटा आपका ज़ीरो हो जाएगा बट एन जेड आपका नॉन ज़ीरो है, कितना है एन जेड, एम जी के बराबर है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता, फ्रिक्शन होता तो फिर आपका इक्वेशन कैसा बनता, ये वाला इक्वेशन एन जेड क्या चीज़ है, तो हमने क्या कहा है ये ऊपर से हम देख रहे हैं और ये हम साइड से देख रहे हैं पाइप को, मतलब यहाँ पे बिठा दिया हमने एन थीटा, क्या बोल रहे हैं रीजनिंग समझना है बस, ये कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो हो सकता था अगर यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट ना होता, कोई अल्फा होता, तो उस केस में फिर आपको देखना पड़ता यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता, अल्फ़ा इंटू एक्स उतना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता, फिर आप लगाते इक्वेशन
एन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू अल्फा एक्स, इस तरह की बात आप करते, ठीक है, उस केस में। हाँ, अब उसको भी लेकर आएंगे, ओके, फिलहाल इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा नीचे से एक नॉर्मल फोर्स आ रहा है एम जी के बराबर, ठीक है, तो हमारा अब एक्सेलरेशन का इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन कैसा बनेगा? तो आप कहोगे फ्रिक्शन ले आए, बाहर की ओर एक फोर्स था एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, पीछे की ओर फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स जो कि कांस्टेंट है म्यू एम जी, ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू जी, ठीक है। अब इसको आप रखेंगे वी डी वी बाय डी एक्स। अब ये इतनी आसानी सॉल्व नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको? अच्छा, ये तो ईजीली हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो डी एक्स को इधर ले आएंगे, ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा, सेम आंसर टाइप का आ जाएगा, इधर इंटीग्रेट होगा, एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा एम जी एल माइनस ए टाइप का, म्यू जी एल माइनस ए, इसका आंसर निकाल लेंगे। अब असाइनमेंट दे रहे हैं, ये असाइनमेंट का बहुत धांसु क्वेश्चन होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन की सीख रहे हो आप लोग क्या? डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी स्टार्ट हो गया कि आएगा? चल रहा है ना, ओके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको काफ़ी कुछ सीख चुके होगे मेरे ख्याल से, मतलब उस स्टेज पे तो पहुँच ही चुके होगे जिसमें ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं। इनिशियली सारा कुछ रुका हुआ था, ब्लॉक डिस्टेंस ए पे था, ठीक है, और क्वेश्चन वही है कि जब ये एल पे पहुंचा तब इसकी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको गिवन है इनिशियली ये घूम नहीं रहा था और ये एक्सेलरेट होता है एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो आप स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, इस प्रोसेस में एन थीटा नॉन ज़ीरो हो जाएगा और ओमेगा ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो सीधे सीधे ओमेगा को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए वो भी नहीं हो पाएगा। अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा क्या होगा मैं नहीं जानता, ये आपको असाइनमेंट में करना है, ठीक है, मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको, क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, कुछ नहीं तो आंसर आए ना आए, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, फ्रिक्शन है नॉर्मल दोनों डायरेक्शन में, एक इधर से एक इधर से, जो नेट नॉर्मल आएगा उसके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इसके अकेले के हिसाब से नहीं लगेगा ना इसके अकेले के हिसाब से लगेगा, दोनों एन थीटा स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर दोनों को मिला के जो नेट नॉर्मल बनेगा उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारा कुछ ट्राई कीजिए, जितना आगे हो सकता है उतना आगे तक करिए और हो जाएगा मेरे ख्याल से। डिफरेंशियल इक्वेशन में ही बात अटक सकती है, वो भी कर लोगे अभी जितना आता है आपको उसके हिसाब से। मैथमेटिका वगैरह है आप लोग के पास, यूज़ किया हो? ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन उससे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो।
ठीक है। सो ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था क्वेश्चन 13111 का। ओके इरोडो पे आ जाइए, इरोडो 1.79 कितना, 5। ओके ठीक है, सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम कब है, कल है शायद, कंटिन्यू करते हैं।